Hello friends, let's continue with our journey of mock test paper solving. We are at question number 7. Kya bolta hai question friends? Estimated life of an asset is 10 years. Life expected is 10 years. An estimated scrap value is 3200. Matlab 10 saal ke baad uska bhangar value, scrap value rahega 3200. Depreciation as per SLM is charged at 2500 every year onto asset. Find the cost of asset. We know depreciation कैसे charge करते हैं हम लोग, original cost minus estimated scrap value. ये हमको मिलेगा depreciable amount, उसको divide करते हैं number of years से. तो यहाँ पर depreciation is 2500, मतलब 2500 into 10, यानी के 25,000 is depreciable amount. Plus उसको बेचने के बाद भी आपको 3200 का scrap value मिलेगा. So your original cost is 28,200 and that is nothing but your option number B. Let's move on to next question. Question number 8. Mr. X paid commission to his consignee Mr. Y 25,000 at 5% on sales. मतलब जो कमीशन हमने पे किया है 25,000, दिस इज 5%. अगर ये 5% है तो फिर सेल्स कितने का होगा, यानी कि 100% कितने का होगा. वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड विच वर्क्स आउट टू 5 लाख रुपीज. 5 लाख इज सेल प्राइस. एंड ये सेल प्राइस कैसे मिला मुझको फ्रेंड्स, 25,000 5% है तो 100% कितना होगा, 5 लाख. आगे क्या बोलता है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31st मार्च 2016 इज 50,000 एट कॉस्ट. यानी कि वो सेल करने के बाद भी 50,000 के कॉस्ट प्राइस की गुड्स अब तक क्लोजिंग स्टॉक में है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय मिस्टर एक्स ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर वाई. नो दिस इज 25% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स. यानी कि ये सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट 1/5 यानी कि 1 लाख निकाल देंगे. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4 लाख प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज 50,000. सो टोटल गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट विल बी 4,50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. रेंट पेड इज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, इट इज Which type of error? मतलब इसने एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, उसके बदले किसी लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया. मतलब एक्सपेंस को पीएनएल को चार्ज नहीं किया, मतलब उस साल के इनकम के अगेंस्ट उस साल का एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ. दैट मीन्स ही हैज वायोलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया, इसके लिए इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. कॉस्ट ऑफ मशीनरी 75,000, साल्वेज वैल्यू इज निल, एस्टिमेटेड लाइफ इज 4 इयर्स एंड डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर बाय सम ऑफ डिजिट मेथड्स. तो हम लोग कैसे करते सम ऑफ डिजिट में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये डिजिट्स का हम टोटल निकालते. यानी कि 4 and 3 7 प्लस 2 9 and 1 10 एंड फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन उल्टा चलेगा, 4, सेकेंड ईयर का 3, थर्ड ईयर का 2 एंड लास्ट ईयर का 1. यानी कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 4/10. सो इफ आई टेक 75,000 इंटू 4/10, सो द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 30,000. Let's move on to next question, question number 11. Dividends are usually paid as a percentage of paid up capital. Now, called up pe nahi hoga friends, because called up ke andar paid up hota hai as well as calls in arrears hota hai. Calls in arrears pe dividend nahi diya jata hai, calls in arrears pe interest charge kiya jata hai. Coming to the last question of this module, question number 12. A trader gives the cash book balance of bank column to be 10,000 credit. Iska matlab, the balance as per cash book is given to you.
but it's a credit balance. That means it is overdraft. So your starting point is overdraft as per cash book, which is 10,000. अब आगे क्या बोलता है? Find the passbook balance if interest debited in passbook not recorded in cash book 150. This is my cash book. This is my passbook. बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया पासबुक में, पैसा मेरा कम किया, हमने कैशबुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है. तो अब कैशबुक में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? लेस. बट सिंस ओवरड्राफ्ट है तो उसको उल्टा करेंगे, एड बैक करेंगे. सो एड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड 150. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2500. कैशबुक पासबुक, हमने चेक इशू किया 2500 का, हमने कैशबुक से पैसा कम कर दिया, बैंक में पैसा कम नहीं हुआ है. अब इसको एडजस्ट करना है तो कैशबुक में ही करना होगा, बिकॉज माय स्टार्टिंग पॉइंट इज कैशबुक. तो क्या करेंगे? ऐड. बट सिंस ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? उल्टा, दैट इज लेस. तो लेस करेंगे 2500. सो माय बैलेंस एज पर पासबुक, और आई कैन से ओडी एज पर पासबुक विल बिकम हाउ मच? इट इज 7650, बिकॉज ये 2500 लेस हो जाएगा. सो 7650, यानी कि आंसर इज बी, ऑप्शन बी.